गुड मॉर्निंग अभी बच्चों के सुबह के 6 हम लोग निकल रहे हैं यहाँ इस गेस्ट हाउस से और आज से हमारी बद्रीनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो जय बद्री विशाल। इन अभी मामा जी लोग ऊपर सूटकेस वगैरह रखवा रहे हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। वैसे हम लोग लेट हो चुके हैं तो मुश्किल है कि अब हमें यहाँ से डायरेक्ट श्रीनगर की बस मिले, तो हम लोग शायद आगे जाके भी गाड़ी करें, बट फिलहाल तो हमने यहाँ से अभी एक टैक्सी की है। क्या कह रहे हैं हम लोग? रुके नाश्ता करने बाजार और यहाँ पे हमें एक दुकान दिखी है। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर गुलाबंद और नतना की चाची का दिल आ गया, वो अंदर ले रही है नथ। दिखाती हूँ अब, है ना, लोग ऐसे प्रॉपर गोल्ड वाले डिजाइन में नथ पहनते हैं, बट एक्चुअल में प्रॉपर हम गढ़वालियों की ना ऐसी नथ हुआ करती थी, ऐसे लाल मोती सफेद मोती वाली। आंसू आ गए भैया। हाथियों माँ चूड़ी पैरियों माँ पैजी नाख नतुली सजे जा मीठे स्वामी अकुली ना छोड़ो संग परदेसी ले जे। चाची बढ़िया लग रही है ना? नहीं, पापा नहीं। समझ रहे हो? फाइनल है हमारी, ये तीनों नथ दे दो हमको। सब हो गया। ये लो मामा, हमने तीन नथ ले लिया, आपका भार कम हुआ। बाय। हम लोग पहुंच चुके हैं चमोली और यहाँ पे आ रही है बारिश, तो आ गया ना जाम लग गया, क्योंकि सब लोग है ना अपनी गाड़ी के ऊपर ये प्लास्टिक चला रहे। समझदार, वो शीशा तो बंद कर दे, गीले हो जाएंगे। जय बद्री विशाल। अभी हम लोग हैं बद्रीनाथ पे, टाइम हो रहा है सुबह के 4:30। हम लोग जा रहे हैं अभी तप्त कुंड स्नान करने, उसके बाद हम फटाफट से बद्रीनाथ जाएंगे और बद्री विशाल जी के बद्री बाबा के दर्शन लेंगे, जिसके लिए हम आए थे। और हम अर्ली मॉर्निंग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि है ना दर्शन तो पूरे दिन होते हैं, पर हमें फटाफट वाले दर्शन नहीं करने हैं। हमें शांति से चैन से भगवान से अपने दिल की बात कहनी है। तो दोनों साइड है माँ अलकनंदा और यहाँ से शुरू होते हैं बद्रीनाथ के द्वार। और यहाँ पे ना सब लोग अपने शूज़ उतार के रखते हैं और उसका टोकन मिलता है। हम लोग आ चुके हैं तपकुंड, ये है तपकुंड, यहीं पे सब लोग स्नान करते हैं। उस साइड पे ना लेडीज़ लोग के लिए कुंड बनाया गया है और ये वाला जो कुंड है यहाँ पे जेंट्स लोग स्नान करते हैं, पर इतने ज़्यादा भक्तजनों की भीड़ है ना कि लोग बाहर भी स्नान करने में लगे हैं इस साइड पे। पर क्या चमत्कार है ना, एक तरफ ठंडी ठंडी बहती हुई नदी है ना और ऊपर पूरा कोहरा, ठंड के मारे लोगों ने स्वेटर पहनी हुई है, और एक तरफ इतना गर्म गर्म पानी। तो ये है तप्त कुंड, यहाँ पे बहुत ही अच्छा गर्म पानी आता है और अभी हम लोग स्नान करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने नहा धो के स्नान कर लिया है, पंडित जी ने भारी मुझे टीका लगा दिया है। अभी हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। प्रसाद हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर पे और बहुत लंबी लाइन है। हम है ना बहुत सुबह आ गए थे, पर हमारे साथ पता है क्या हुआ, जब तप कुंड में नानी जी नहा रहे थे ना तो उनके कपड़े पता नहीं कहाँ ही गायब हो गए। उसके बाद मैं और मामा जी ने वहाँ ऊपर दूर मार्केट पे गए, वहाँ से नानी जी के लिए नए कपड़े लेकर आए, और इतने ही कुछ आधे घंटे में ना ऊपर इतनी सारी भीड़ हो गई कि अब हमें ना 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। पर 1.5 क्या, मैं 10 घंटा लाइन में लगने के लिए रेडी हूँ, पर मैं ऊपर मंदिर में चैन से शांति से दर्शन करके आऊँगी। और मैंने ना ये एक लक्ष्मी नारायण जी का सिक्का भी लिया है, सबने लिया है यहाँ पे, इसको उन्होंने कहा ऐसे मंदिर में ऐसे करना है और फिर अपने घर में ले जाना है, तो ये मैं अपनी मम्मा के लिए ले जाऊँगा क्योंकि वो हर फ्राइडे व्रत रखती है ना। फिलहाल अभी लाइन में लगते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने बैग वगैरह रखवा रहे हैं क्योंकि ऊपर हम लोग ये सारा कैरी नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए। और ये सारी है ना फ्री सेवा है, पता है अभी कौन करवा रहा है इतना तो मुझे नहीं पता, जितना पता था मैं बता दी। वहाँ लगे हैं लाइन में मेरी चाची और नानी लोग, और मैं आपको दिखाने आई हूँ कि कितने सारे लोग भक्ति में लीन है भाई। ये देख रहे हो मंदिर ना वहाँ कहीं दूर पे है और वहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हो लाइन लगी हुई है, कुछ हजार लोग होंगे या उससे भी शायद ज्यादा। बद्रीनाथ इतना ज्यादा सुंदर होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था, तभी मैं सोचूं माता लक्ष्मी का दिल कैसे आ गया था। मैंने ना कल रास्ते में आते हुए कथा सुनी थी, भगवान ये था मंदिर में खड़े होकर तो झूठ नहीं बोलूंगी ना, मैंने ना कल रास्ते में आते हुए कथा सुनी थी, फोन में देखा था मैंने कि बद्रीनाथ में लक्ष्मी जी और नारायण जी कैसे आए, तो फिर मुझे पता चला था उस कथा में ऐसे बताया गया था कि लक्ष्मी माता को बहुत पसंद आ गया था क्या बद्रीनाथ। तो मैं तब से ना रास्ते में सोच रही थी कि इतना खूबसूरत था क्या कि भगवान का दिल आ गया, तो जब भगवान का दिल आ सकता है तो हम लोग तो नॉर्मल इंसान है यार। भगवान मुझे आशीर्वाद दे और मैं हर साल यहाँ आ पाऊँ।
पर मेरी इच्छा है कि मैं ना अपनी मम्मी को यहाँ लेकर आऊँ, क्योंकि पापा तो आ जाएंगे, मैं अपनी मम्मी को लेकर आना चाहता हूँ यार। बहुत प्रीटी है, और यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबका कहना है कि जो दो धार मिल रही है ना, उन्हें शुभ माना जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग भी हाथ जोड़ना, जय लक्ष्मी नारायण। अब मैं जा रही हूँ अपनी लाइन में लगने। नॉर्मल रुद्राक्ष आप सबने देखा होगा, पर असली में जो रुद्राक्ष होता है ना, एकदम रॉ जिसे बोल सकते हैं हम, वो कुछ ऐसा होता है। ये सीड होता है, और इस सीड के अंदर है ना, कहाँ गया वो, एक था ना ऐसा रुद्राक्ष निकलता है, कुछ ऐसा। हाँ, कुछ ऐसा। फाइनली हम लोगों का नंबर आ चुका है, और हम लोग जा रहे हैं बद्री बाबा के दर्शन लेने मंदिर के अंदर। तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल, और इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ कौन सा गांव है, वो वाला जो लास्ट गांव बोलते हैं जिसे, नहीं नहीं मताना, क्या नाम है, नहीं अलकापुरी, नहीं नहीं यहाँ कौन सा गांव है, मंडाना, माना बॉर्डर। हम माना बॉर्डर जाएंगे अब, सॉरी अब हम जाएंगे माना बॉर्डर, क्योंकि अपने गेस्ट हाउस, अब हम लोग फ्रेश हो गए हैं, नीचे जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने। हम लोगों को ना भूख लग भी रही है और नहीं भी लग रही है, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं बोल के खुद नहीं समझ रही मैं क्या कहना चाहती हूँ। खैर छोड़ो, कोई समझदारी वाली बात तो मैंने की नहीं है, तुम लोग ये देखो, मतलब ऐसी थोड़ी कहते हैं यार उत्तराखंड को देखूँ मैं, कितना सुंदर है ये सब। वहाँ पे आपको दो धारा दिख रही है, उसको बहुत शुभ माना जाता है जो दो धारा एक साथ निकलती है। आज के लिए मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों चावल, तरी वाली आलू की सब्जी, मेथी आलू और खीर, अब फटाफट से खाते हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना अच्छे से खा लिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने गेस्ट हाउस में। सिर्फ मैं और सना जा रहे हैं, क्योंकि जो चाची जी है ना, वो ऊपर टैक्सी वाले लोगों से बात कर रही है, क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं कहाँ, माणा गाँव, हम लोग जाने वाले हैं माणा गाँव घूमने। सो इस ब्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं एंड, तो अब मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।